students, I hope you all are fit, fine and healthy. Let me start with my introduction. I am Samir Roy, posted in Ravina Bangla Vidyalaya. I will be teaching your vocational service security for class 10, level 2. I am going to load some videos regarding this subject. I am sure all the videos will be very helpful for your preparation. So, our first chapter is basic drill and defensive technique. Today, I am going to cover this topic in this video. Let's start with drill. What is drill? Drill is a form of physical activity carried out by an individual or a group which imbibes discipline and smartness. It simplifies complex movement into simple steps for the ease of learning and performance. Drill is not restricted to a parade alone. It is also used for simplifying complex movement such as equipment and weapon handling. Bacho, ड्रिल एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी है जिसे इंडिविजुअल या ग्रुप में किया जाता है, जिसे करने से डिसिप्लिन और स्मार्टनेस आता है। ड्रिल कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को सिंपल कर देता है, इसे सिंपल स्टेप छोटे छोटे स्टेप में किया जाता है ताकि सीखना और परफॉर्म करना आसान हो जाए। ड्रिल सिर्फ पैरेड तक ही सीमित नहीं है, इसका यूज़ हम इक्विपमेंट और वेपन हैंडलिंग में भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसा होता है जिसे करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम रेगुलरली ड्रिल करें, उसे प्रैक्टिस करें, तो हमें पता होता है इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करनी है। फॉर एग्जांपल कुछ इक्विपमेंट, सपोज़ कीजिए एयरक्राफ्ट में चलाने के लिए कोई भी पायलट हो, अगर रेगुलरली ड्रिल ना करे तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। वैसे ही वेपन, अगर आपको बंदूक रेगुलरली आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप निशाना ठीक से नहीं लगा पाएंगे, आपको उसके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ता है। और वेपन को कैसे हैंडल करना पड़ता है, कैसे उसमें गोली डाली जाती है, वो सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने से ही आपका काम आसान हो जाता है। एम ऑफ ड्रिल, द एम ऑफ ड्रिल इज़ टू ट्रांसफॉर्म ए ट्रेनी इनटू एन ओबीडियंट अलर्ट एंड स्मार्ट सोल्जर। द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मल पैरेड ग्राउंड ड्रिल इज टू एनेबल ट्रेनीज टू मूव इजिली एंड क्विकली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन एन ऑर्डरली मैनर। बच्चों, ड्रिल का एम होता है किसी भी ट्रेनीज को या सोल्जर को ट्रांसफॉर्म करना, ओबीडियंट बनाना, आज्ञाकारी बनाना, अलर्ट बनाना और स्मार्ट बनाना। पैरेड ग्राउंड ड्रिल का मेन पर्पज़ होता है कि ट्रेनीज को पता होना चाहिए कि उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे मूव करना है और कितनी अच्छी तरह से मूव करना है और कितनी तालमेल के साथ मूव करना है। बैटल ग्राउंड में, लड़ाई के टाइम में ड्रिल का मेन पर्पज़ होता है कि हर एक ट्रेनी को पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग वार, लड़ाई के टाइम में आपको क्या करना है, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उसे कैसे टैकल करना है। नॉइज़ और या फिर अदर डिस्ट्रैक्शन कुछ भी अगर सामने आ जाए तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको जो काम दिया जाता है उसे आप पूरा कर सके, ऐसा ट्रेन किया जाता है आपको। नाउ स्टूडेंट, एज यू नो द एम ऑफ ड्रिल, नाउ वी शैल प्रोसीड विद द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल। द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल इंक्लूड द फॉलोइंग। It allows the team to respond quickly and effectively to a situation or an emergency. It helps an individual or group to be familiar with the standard procedure and operate an equipment or weapon effectively. It helps in developing self-confidence and perfection in performing various activities. बच्चो, अभी हम जानेंगे ड्रिल के फायदे क्या क्या है। ड्रिल करने से हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे उसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे इफेक्टिवली उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये हम सीख जाते हैं, हमें पता होता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है। दूसरा, ये किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल को सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ को ठीक से कैसे किया जा सकता है, कोई भी इक्विपमेंट या वेपन को कैसे ठीक से चलाया जा सकता है, मीन्स प्रॉपर स्टेप्स क्या क्या है, इसके बाद कौन सा स्टेप करना है, किसके बाद कौन सा स्टेप करना है, कौन सा सही तरीका है, वो आपको ड्रिल करने से पता होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ड्रिल करने से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप में परफेक्शन आता है, आप में सही तरह से करने का। फॉर एग्जांपल, हम लोग अंडमान निकोबार में रहते हैं और ये अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है, यहाँ पे बहुत बार अर्थक्वेक आता है, तो हम स्कूल में रेगुलरली डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल करते हैं, तो हमें पता होता है अगर अर्थक्वेक आए तो हमें क्या एक्शन लेना है। स्टूडेंट्स, आई हैव सम पिक्चर्स ऑफ वेरियस ड्रिल्स। इट इज जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड
that drill is not just limited to parade alone. It can be anything which requires practice to prepare yourself for certain purpose. Please watch this. Military parade, drill in military terms, is the process of memorizing certain actions through repetitions until these become instinctive to the soldiers individually. Complex actions are broken down into simpler ones. When the whole act is put together, desired results are achieved. Drill is necessary for any team to perform at maximum efficiency in all situations. मिलिट्री लैंग्वेज में ड्रिल का मतलब होता है याद रखना, किसी भी एक्शन को याद रखना, उसे बार बार करना, ताकि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सोल्जर को पता हो कि उसे क्या करना है, इस एक्शन के बाद दूसरा एक्शन क्या हो। ड्रिल में कॉम्प्लेक्स मोमेंट्स को छोटे छोटे स्टेप में किया जाता है, ताकि जब उसे एक साथ जोड़ा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पैरेड, इसमें आप देखे होंगे अलग अलग फोर्सेस, इवन स्कूल स्टूडेंट मार्च करते हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं उसके लिए उन्हें 3 महीना पहले से तैयारी करना पड़ता है, डेली उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है, घंटों भर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके इतना अच्छा शो वो दे पाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है, पूरा दुनिया भी देखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और एक एग्जाम्पल है, डिफेंस पर्सनल को रेगुलरली फायरिंग प्रैक्टिस किया कराया जाता है। इससे क्या होता है, वार टाइम में उसे पता होता है कि कैसे क्विकली फायर किया जाए और एक्यूरेटली फायर किया जाए। और एक एग्जांपल है, आप रात को एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ आपको देखा होगा, डिफेंस के एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहा होगा, वो भी एक्चुअली ड्रिल कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ताकि वार सिचुएशन में उन्हें किसी भी तरह का नाइट फ्लाइंग में प्रॉब्लम ना हो। Students, you might have seen military ceremony and parades in TV. So, there are certain purposes for this ceremony. The purposes for military ceremony are, first, honoring a visiting high-ranking commander, official or dignitary. Second, presenting decoration and awards. Third, honoring or recognizing an unit's or individual's achievement. And fourth, commemorating events. There is only one person who is in charge of the parade. He or she is called the parade commander, who commands the entire parade. बच्चों, आप मिलिट्री परेड कई जगह देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, मिलिट्री सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका भी एक पर्पज है। कुछ पर्पजेस मैं बता रहा हूँ, जैसे ऑनर करना, अगर कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर या डिग्निटरी आता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री हमारे कंट्री में आता है, तब परेड किया जाता है या परेड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रेजेंटिंग डेकोरेशन एंड अवार्ड, जब किसी को अवार्ड या डेकोरेशन, डेकोरेशन मीन्स जो सम्मान दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे डेकोरेशन कहते हैं। ऑनरिंग, ऑनर करना किसी पर्सन को या किसी यूनिट को किसी पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए। लास्ट है कोमेमोरेटिंग इवेंट्स, मतलब कोई भी इवेंट को याद करना, जैसे हमारा करगिल दिवस है एटसेट्रा। मेजर पार्ट्स ऑफ कमांड, द टिपिकल पैरेड कमांड्स आर स्पोकन एक्सट्रीमली क्लियरली एंड एम्फेटिकली एंड कंसिस्ट ऑफ 4 major parts, नेमली द आइडेंटिफायर, प्रिकॉशनरी, द कॉशनरी एंड द एग्जीक्यूटिव। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाई वन। आइडेंटिफायर, identifier is the one or group who is to follow the command. This is typically sections, platoon, company or regiment. Next is precautionary. Precautionary means what is to be done. For example, move to the advance, move to the retire, etc. Next is cautionary. Cautionary or the first part of what is to be done. It is usually drawn out of 2 syllables. For example, for the right wheel, right turn. Right is the cautionary. Last is executive. Executive is a single syllable on which the soldiers actually move. There is always a significant pause between the cautionary and the executive. The executive command should always be given a greater emphasis
एंड बी एज लाउड एज पॉसिबल। तो बच्चों कमांड के चार मेजर पार्ट्स होता है, आइडेंटिफायर, प्रिकॉशनरी, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स आप किसको कमांड दे रहे हैं, ट्रूप्स को दे रहे हैं, प्लाटून को दे रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं या किसे दे रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी मीन्स आपको क्या करना है, जैसे बाएं मुड़, दाएं मुड़ एटसेट्रा। नेक्स्ट है कॉशनरी। कॉशनरी बोला जाता है कमांड का फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है कॉशनरी, मतलब जो करना है उसका फर्स्ट पार्ट को कॉशनरी बोला जाता है। ये यूजुअली टू सिलेबल्स होता है, जैसे राइट टर्न, राइट राइट जो है वो कॉशनरी है। लास्ट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है वो सिंगल सिलेबल का होता है, जिसे बोलने के बाद सोल्जर्स या स्टूडेंट्स मूव करता है, मतलब उस कमांड के बाद ही कोई मूव करता है, उससे पहले मूव नहीं होता है। जो लास्ट एग्जीक्यूटिव कमांड है उसे बहुत ज़ोर से और बहुत क्लियरली बोलना चाहिए ताकि सब सुन सके। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए एक परेड में जो ट्रूप्स है वो लेफ्ट साइड फेस करके खड़ा है, एडवांस के मींस प्राइमरी डायरेक्शन के लेफ्ट साइड फेस करके खड़ा है। अभी उसे सामने की तरफ मुड़ना है, तो परेड कमांडर कैसे कमांड देगा, परेड सामने को मुड़ेगा, दाहिने मुड़। तो परेड जो हो गया वो आइडेंटिफायर हो गया, और जो सामने की तरफ हो गया बोल रहा है वो प्रिकॉशनरी हो गया। अभी किस डायरेक्शन मुड़ना है, दाहिने, दाहिने दाहिने जो है वो कॉशनरी हो गया, और लास्ट जो मूड है वो एग्जीक्यूटिव हो गया, मतलब मूड मूड बोलने के बाद ही वो ट्रूप्स मुड़ता है, एक्शन में आता है। ड्रिल कमांड्स। ड्रिल कमांड्स आर जनरली यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट इज मार्चिंग। सो व्हाट इज मार्चिंग? मार्चिंग आल्सो कॉल्ड एज मार्च पास्ट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म स्टडी एंड रिदमिक वॉकिंग। While marching, individual must maintain their dress, cover, interval and distance. So, what do you mean by dress? Dress is not uniform. Dress here, dress indicates the alignment of the person to the side. Cover is called the alignment of the person in the front. Interval, space between the person to the side. Distance, space between the person in front. This is how a march pass is maintained. ड्रिल कमांड जनरली यूज किया जाता है जब कोई ग्रुप मार्च कर रहा हो। अब मार्चिंग किसे कहते हैं? मार्चिंग यानी मार्च पास्ट, मतलब तालमेल बिठा के वॉकिंग को मार्चिंग कहते हैं। इसमें जब कोई मार्च कर रहा हो तो वो आपस में सही डिस्टेंस, सही दूरी बना के चलता है, उससे क्या है देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसमें हम चार टर्म्स का यूज करते हैं जब मार्च करते हैं, वो है फर्स्ट है ड्रेस। ड्रेस मतलब आप जब मार्च कर रहे हैं आपके साइड वाला जो पर्सन है वो आपके एक ही लाइन में है कि नहीं, एक ही सीध में चल रहा है कि नहीं। कवर, सामने वाला पर्सन आपके सीधी लाइंस पे चल रहा है कि नहीं, उसे कवर कहते हैं। इंटरवल, इंटरवल मीन्स जो दूरी है साइड वाइज उसको इंटरवल कहते हैं। डिस्टेंस मतलब सामने वाले से आपकी दूरी, उसे डिस्टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स आई एम एडिंग वन मोर वीडियो, दिस इज ऑफ ए मिलिट्री सेरेमोनियल पैरेड। वॉच इट वेरी केयरफुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सी हाउ द पैरेड कमांडर इज गिविंग कमांड, हाउ इज रिसीविंग द चीफ गेस्ट एंड सैल्यूटिंग द चीफ गेस्ट, द वे ही इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम द चीफ गेस्ट इज रिमार्केबल। जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली, सी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेटेड इन दिस पैरेड आर स्मार्ट, स्मार्टली ड्रेस्ड एंड जस्ट सी द मूवमेंट्स, द शार्प मूवमेंट्स। वॉच इट वेरी केयरफुली।
आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड को स्कोरिंग के कॉलम में मंच से गुजरने की आज्ञा दे श्रीमान। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन अतुल पठानिया। जोशीले और जांबाज वायु योद्धाओं से सुसज्जित ये परेड, जिसमें 43 ऑफिसर्स और 253 वायु सैनिक शामिल, कड़े अभ्यास, संकल्प, अनुशासन और कर्तव्य परायणता की मिसाल पेश करते हुए ये वायु योद्धा आज की इस वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। Officer for today's parade. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence, dedication, and pride. The faces and eyes are glowing with determination as they put their best foot forward on this parade. परेड अब समीक्षा क्रम में आगे की ओर अग्रसर होते हुए अलंकरण समारोह और आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा वी आर आस्क्ड टू यूज इंग्लिश वर्ड ऑफ कमांड्स, बट नाउअडेज आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर जनरली यूजिंग हिंदी वर्ड ऑफ कमांड्स। आई एम श्योर आप में से कई बच्चे होंगे जो असेंबली में कमांड देते होंगे, जैसे सावधान, विश्राम, डायरी मोड, बाय मोड। तो आज हम कुछ एक कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो मैं इसके साथ लोड करूंगा, इसमें आप मूवमेंट्स थोड़ा देख लीजिए, कैसे सावधान और कैसे विश्राम किया जाता है। प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। जब कभी हम परेड के लिए, मार्च पास्ट के लिए, ड्रिल के लिए आते हैं, तो हम सबसे पहले विश्राम की स्थिति में खड़े होते हैं। जो कमांडर पहली कमांड देगा, वो कमांडर पहले स्वयं सावधान की स्थिति में खड़ा होगा और फिर कमांड देगा सावधान की।
ठीक है ना। तो अभी ये आए हैं विश्राम की स्थिति में, देख लेंगे विश्राम की स्थिति क्या होती है। एडी से एडी यानी हिल से हिल 12 इंच की दूरी रहेगी और पंजे से पंजे 16 से 18 इंच की दूरी रहेगी। अपना जो दायां हाथ है और बायां हाथ, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर क्रॉस के अंदर रहेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बाएं हाथ का दायां हाथ का क्रॉस में रहेगा। ये स्थिति होती है विश्राम की। ये कमांड समझ लीजिए, प्रेज सावधान, विश्राम सावधान। अब सावधान की स्थिति देख लें। सावधान में मुट्ठी बंद और मुट्ठी बंद, अंगूठा उस सारी उंगलियों के ऊपर अंगूठा है और रिस्ट डाउन है और ये साथ में यहाँ लगी हुई है। ये पैंट की जो सिलाई होती है सिलाई के जस्ट पीछे ये हाथ रहेगा और एकदम स्ट्रेट स्थिति में रहेंगे। चेहरा छाती सामने और चेहरा बिल्कुल सामने रहेगा और नज़र हमेशा सीधी रहेगी। ये होती है हमारी साधारण की स्थिति। साधारण की स्थिति में हिल से हिल कोई गैप नहीं होगा और पंजे से पंजे 6 इंच की दूरी होगी। पेट के सबके लिए पेट विश्राम सावधान विश्राम सावधान। साधन की विस्तृति में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हमारा पांव उठता है तो एक तो लेफ्ट पांव यानी हमारा बायां पांव उठता है और दूसरा है कि हम अपने बेल्ट के लेवल पे लेके आते हैं पांव को, उसके बाद में साइड में रखते हैं, ठीक है, और फिर वापस सामने लेके आते हैं और वापस नीचे रखते हैं। फिर से हम की स्थिति एक और देख लें कि अपने जो शोल्डर है उसी के लेवल पे रखना है, उससे बाहर नहीं निकलना पांव को। ये सोचें पेट सावधान के सावधान विश्राम सावधान विश्राम सावधान। अब हमारी अगली कार्रवाई होगी कदम ताल की। ये जितनी भी कार्रवाई होगी वो लेफ्ट पांव से शुरू होगी यानी कि अपना बाएं पांव से शुरू होगी और बाएं पांव पे खत्म होगी। ये देख लें कि जो कदम ताल की जो स्थिति जो शुरुआत होगी वो सावधान की स्थिति में होगी, विश्राम की स्थिति में नहीं होगी। और एक बीच में ये पॉइंट कि सावधान और विश्राम दोनों ही एक सावधान की पोजीशन है और उसके अंदर ही किया जाता है। अगर विश्राम में अगर आराम से बोल दिया जाता है तब रिलैक्स किया जाता है। अब हम यहाँ से हम करेंगे कदम ताल की स्थिति। प्रेज सब एक साथ कदम ताल शुरू करेंगे। शुरू कर, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, प्रेज थम खाली एक दो। जब हमने यहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश किया, थम करने की कोशिश की, तो उसमें सबसे पहले आएगा हम अपने बाएं पांव पे कमांड दिए प्रेज थम, तो एक खाली एक दो, ये होती है थम की कार्रवाई। अब हम यहाँ से चलेंगे, हमें तेज चल की कार्रवाई होगी। तेज चल की पहली पोजीशन देखेंगे हम, ठीक है ना। प्रेज सामने से एक पॉइंट लेगा, तेज चल एक, ये स्थिति है। शोल्डर के लेवल पे हाथ रहेगा, ना हाथ ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, ना आगे ना पीछे, स्ट्रेट और इतना ही हाथ पीछे। यानी कि हमने सबसे पहले अपना बायां पांव निकाला आगे की तरफ और दायां हाथ आगे की तरफ और बायां हाथ पीछे की तरफ, इसी की तरह बराबर सीधी एक लाइन रहेगी। और ये पहली कदम का जो स्टेप लेंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, एक छोटा मिनिमम स्टेप। हाँ, ये जरूर याद रखें कि अपनी हिल मिली हुई होनी चाहिए और टोस खींचे हुए होने चाहिए। यहाँ पर हल्का सा दर्द होगा तब आप जान लें कि प्रेड थोड़ी सही हो रही है, ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं लेके लेंगे, ठीक है। अपनी स्थिति में वापस आएंगे, प्रेड विश्राम सावधान, विश्राम सावधान, प्रेड सामने से तेज चल, एक दो एक, एक दो एक, प्रेड तीन छः मुड़ खाली, एक दो तीन चार शूट गुड। प्रेड थम खाली, एक दो तीन छः मुड़, प्रेड सामने से तेज चल, एक प्रेड थम खाली, एक दो विश्राम। पॉज कर दे। These are the lists of command which are given in your book. Please go through it, practice it during your practical period with the help of your instructor. It will be better if you practice it, you will understand more. Characteristics of good drill. Ek achhe drill ka kya kya characteristics honi chahiye? First and foremost is physical fitness. Physical fitness bhi do tarah ka hota hai. General fitness and specific fitness. General fitness means aapka general health and well-being. Specific fitness means इसमें आप टास्क ओरिएंटेड है, आप मींस दौड़ने में कैसा है या फिर चलने में कैसे है या फिर स्पोर्ट्स में कैसा है, जो स्पेसिफिक फिटनेस होता है उसके लिए बोला जाता है इस वर्ड को। नेक्स्ट इज़ वर्ड ऑफ कमांड।
अगर किसी भी ड्रिल में आपका कमांड का टाइमिंग सही हो तो परेड भी अच्छा होता है, अगर कमांड सही नहीं होगा तो परेड अच्छा नहीं होगा। तो परेड में ये ध्यान रखा जाता है कि वर्ड ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर, साफ और बिल्कुल टाइमली हो। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आपका जो ट्रुप है, आपका जो सोल्जर है या स्टूडेंट है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने से परेड भी अच्छा होता है और जो परेड करने वाले होते हैं उनमें भी जोश आ जाता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो विद इन वन सेल्फ, आपके अंदर से जो आता है। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या है, हम आपको अवार्ड देते हैं, जो सोल्जर्स को अवार्ड दिया जाता है या कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उनको मोटिवेट करने के लिए। लास्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। विदाउट रिकॉर्ड कीपिंग कोई भी ड्रिल कंप्लीट नहीं है। आपको आपने कब रिकॉर्ड, आपने कब क्या ड्रिल किया है, आपका कितने लोग ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है, डेट टाइम क्या है, कितने स्टाफ उसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या आपने ड्रिल में प्रॉब्लम फेस किया है, क्या क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, ये सब आप हम डायरी में मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा ड्रिल को हम नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से और अच्छी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट फिल द ब्लैंक्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक। रिमेंबर दिस फिल द ब्लैंक्स विल कम एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो लिसन केयरफुली, आई विल आंसर वन बाय वन। आप अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए और अपने बुक में पेंसिल से ही इसका आंसर लिखिएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, A dash is the process of memorizing and performing certain actions through repetition until the action is instinctive to the person performing the drill. The answer will be drill. Next is drill teaches dash and dash work. The answer will be drill teaches discipline and teamwork. Third is drill allows a team to respond dash and dash in a situation or an emergency. The answer will be drill allows a team to respond very quickly and effectively in a situation or an emergency. Next is a dash is the one or group who is to follow the command. The answer will be identifier. The next is dash is the command which implies what is to be done. The answer is precautionary. Next is dash is the single syllable on which the soldiers actually move. The answer will be what? The answer will be executive command. Next is parade consists of four direction, namely advance, retire, left and right. Next problem is in dash mat no body movement is allowed, but participants of the march past are free to talk among themselves. The answer will be the Hilomath command. Question is, while marching, individual must maintain their dash, cover, dash and distance. The answer will be, while marching, individual must maintain their dress, cover, interval and distance. The next is, on the command Savdhan, you are alert and ready for dash. The answer will be, on the command Savdhan, you are alert and ready for receive any instruction. The next question is, on the command Bisram, you may remain relaxed, but you should not dash. The answer will be talk. You should not talk while in Bisram. Next is, if a senior officer wants someone junior to him / her to take charge of the parade, then he / she will give command dash kar. Answer will be kuch kar. The two types of motivation are dash and dash. The answer will be the two types of motivation are intrinsic and extrinsic. Well, friends, this is the end of our class. I hope you understood the lesson well. Agar aapne ye video dhyan se dekha ho, to mere khayal se आपको लेसन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कंसेप्ट ठीक से समझ जाए तो आपको ऐसा लिखने में भी काफ़ी इजी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।